ये श्लोक हो चुका है। तथोर्ध्वपुंड्रम, इस श्लोक की चर्चा होनी है। तथोर्ध्वपुंड्रम सुमृदा विधाय वै रामादि दास्यांतमथो समुच्चरे मंत्रं तथैवोपदिशेत् विधानतो मालां वरां तां तुलसी समुद्भवां। श्री आचार्य चरण अनुग्रह कर रहे हैं। अथो विधानतः वै सुमृदा ऊर्ध्वपुंड्रम विधाय, शास्त्रीय विधि का समादर करते हुए पवित्र उत्तम तीर्थ मृत्तिका से ऊर्ध्वपुंड्र की रचना करे, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करावे। ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा कुर्यात् भस्मनातुत्रपुंड्रकम्, ऐसा शास्त्र वचन है। ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा कुर्यात्, ऊर्ध्वपुंड्र पवित्र तीर्थ की मृत्तिका से ही धारण करना चाहिए। श्री अवध की रज, श्री चित्रकूट की रज, श्री मिथिला की रज, श्री वृंदावन की रज, श्री मलयकूट पर्वत की रज, अथवा श्री गोपी चंदन अथवा श्वेत चंदन, जो भी गुरुजन आज्ञा कर दें उसके अनुसार मस्तक पर श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। हमको देख के कई लोग वो बाजार से गौ छाप रंग, वो रंग वाला ले आते हैं, उसी को घोल के लगाते हैं, पर दास जो धारण करता है मस्तक पर उसमें हम मृदा का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। भगवान की सेवा होती है तो भगवान का प्रसादी चंदन रहता है तो उसको भी धारण करना है, तो गोपी चंदन या श्वेत चंदन के साथ उसको घिस करके हथेली पर मृदा युक्त जो भगवत प्रसाद चंदन है उस चंदन से हम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। हैं तो बहुत से लोग देखा देखी क्या करते हैं कि वो महाराजा चंदन कौन सा चंदन आता उसी को घोल घाल के लगा लेते हैं। नहीं, श्वेत चंदन से अथवा गोपी चंदन से ही मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। भगवत प्रसाद युक्त चंदन भी श्रेष्ठ है, पर ऊर्ध्वपुंड्रम मृदाधार्यम, और आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं तथोर्ध्वपुंड्रम सुमृदा विधाय वै, मृतिका से ऊर्ध्वपुंड्र धारण करें।